लेकर आई सुपर डुपर अमेजिंग एक्सट्रीमली वंडरफुल रोज टिंटेड लिप बाम। ठीक है, इस पूरे सर्दियों में जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ ना, मैं इसकी फैन हो गई हूँ और मैं ज्यादा वेट नहीं कर पा रही हूँ, सबर नहीं कर पा रही हूँ आपसे इसको शेयर करने के लिए। तो अगर आपकी लिप्स ड्राई हो गई है, चैप्ड हो गई है, क्रैक्ड हो गई है, फ्लेकी हो गई है और इसको अगर आप ट्रीट करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना चाहते हो, या अगर आपकी लिप्स डार्क है, पिगमेंटेड है, आप अपने लिप्स को लाइटन करना चाहते हो, ये सारी चीजें ना मेरा ये ऑल इन वन वाला लिप बाम आपके लिए कर दे। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया है और मैं एकदम यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप जब बनाओगे ना, आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, आपका फेवरेट हो जाएगा ये लिप बाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो से। रोज का लिप बाम बनाने के लिए ना आपको रोज के अर्क की जरूरत है। ठीक है, और ये अर्क आप रोज को मिक्सर में पीस के नहीं निकालेंगे, इसको निकालने का एक तरीका होता है। और ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे सिवा आप अपना रोज का लिप बाम ही नहीं बना सकते, इससे आप रोज वाटर, नेचुरल केमिकल फ्री स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर भी अपने घर में तैयार कर सकते हो। तो 2-in-1 आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रेश जो रोज पेटल्स होती है वो आपको जमा करना है। ये रोज पेटल्स जो है वो आप बाहर से खरीद कर लेकर आ सकते हो। अगर आपके पास रोज के प्लांट है तो आपके तो वो भी पैसे बच जाएगी, आप बिल्कुल लिप बाम और ये नेचुरल रोज वाटर बिल्कुल आपका फ्री में हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश जो रोज के फ्लावर है उससे ये रोज के पेटल्स को आप अच्छी तरीके से कलेक्ट कर लीजिए। अब एक बर्तन लीजिए, गहरा बर्तन लीजिए, ठीक है, इस तरह से, और इसमें एक छोटी प्लेट या छोटी कटोरी जो भी है आप वो उसको नीचे इस तरह से रख देंगे। अब एक छोटा सा कोई बर्तन ले लीजिए, वाटी ले लीजिए या कोई भी नॉर्मल बर्तन, ये साइज का बर्तन ले लीजिए और उसको ना इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख दीजिए। अब इसके आसपास जितने भी हमने जो रोज पेटल्स निकाले उसको इस तरह आसपास इसमें स्प्रेड कर देंगे। एक बार जब आपने इसको स्प्रेड कर दिया तो जो बर्तन हमने उल्टा रखा था उसको आप सीधा कर लीजिए। ठीक है, अब जो रोज हमने डाले इसमें तकरीबन एक छोटा ग्लास जितना हम इसमें पानी डाल देंगे और इसके बाद इसको ढक्कन से ढक देंगे। अब इसको लेके आपको गैस पे रख देना है। पहले आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है जब तक इसमें भाप बननी तैयार नहीं होती। एक बार इसमें भाप बनना तैयार हो जाएगी तब आप गैस को धीमी आंच पे कर देंगे। ठीक है, आप जैसे देख रहे हो इसमें जो भाप है वो बननी शुरू हो गई है। बर्फ लीजिए बहुत सारा, और ये जो लिड, ये जो ढक्कन हमने लगाया है इसके ऊपर, ये बर्फ को सारा इसके ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, इससे आपकी जो स्टीम है वो बहुत तेजी से बनेगी और आपको बहुत मैक्सिमम अमाउंट में आपका जो रोज वाटर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेगा आपको पूरे प्रोसेस को करने के लिए। 2-5 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर लेना की आपका रोज वाटर जो अच्छे से कलेक्ट हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रोज वाटर मेरा कलेक्ट होना शुरू हो चुका है, और 5 से 10 मिनट वेट कीजिए, आपका बर्फ जो कंप्लीटली पिघल भी जाएगा और आपका अंदर जो रोज वाटर है वो भी कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए मेरे 15 मिनट। इसके बाद जैसे आप देख सकते हो ये जो कलेक्ट हुआ है गाइस यहाँ पे, ये केमिकल फ्री नेचुरल होममेड बिल्कुल प्योर स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर है। ठीक है, ऑब्वियसली स्टीम डिस्टिल्ड है तो इसमें रोज का कलर नहीं आएगा, लेकिन रोज की पूरी गुडनेस इसमें आ चुकी है गाइस, और इसकी फ्रेग्रेंस सूंघोगे आप तब आपको समझ में आ जाएगा कितना प्योर और कितना नेचुरल रोज वाटर है ये। और ये इतना ही इफेक्टिव है जो आपके महंगे जो ब्रांड्स होते हैं 500-600 रुपए वो चार्ज करते हैं इतने रोज वाटर के लिए, जो आप घर में चंद पैसों में, अगर आपके पास रोज प्लांट है तो बिल्कुल फ्री में आप अपने घर में बना सकते हो गाइस। तो ये रोज वाटर को आप एक बॉटल में भर के रख लीजिए, दिन में जितनी बार हो सके आप इसको स्प्रे कर सकते हो। नेचुरल रोज की गुडनेस आपको मिलेगी, स्किन आपकी टोन हो जाएगी, हाइड्रेटेड लगेगी और आपकी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो भी करेगी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया नेचुरल स्टीम डिस्टिल रोज वाटर, लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, मेन चीज तो अभी बताना बाकी है। ठीक है, रोज वाटर मिलने के बाद जो बर्तन में हमने ये प्रोसेस किया था, ये सारे गुलाब और ये सारे रोसेस जो है इसको आप फेंकेंगे नहीं। अब देख रहे हो इसमें नेचुरल रोज की गुडनेस के साथ उसका कलर भी मौजूद है। ठीक है, तो 2-in-1 हो गया राइट। तो इससे हम बनाएंगे हमारा रोज का लिप बाम। इसको पहले आप एक बोल में अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे और उसको जितना हो सके प्रेस करें। अब देख रहे हो ये नेचुरल रोज का अर्क जो आपको मिल रहा है, ये एक्सट्रैक्ट जो आपको मिल रहा है, कैसे फेंक सकते हैं हम इसको गाइस? इसको फेंकना नहीं है, इसको भी आप रोज वाटर के तौर पे यूज कर सकते हो, लेकिन फर्क इतना है कि इसको आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ेगा और ये ज्यादा दिनों के लिए अच्छा नहीं रहता है, जबकि आपको स्टीम डिस्टिल्ड वाटर है उसको आप 1 महीने तक रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रख सकते हो, वो खराब नहीं होता है। तो ये दोनों फर्क है इस रोज वाटर में और ये रोज वाटर में राइट। तो अच्छी तरीके से प्रेस करके अपने हाथों से करें, स्ट्रेनर से करें, कैसे भी करें, इसको करके आप इसका सारा एक्सट्रैक्ट, रोज का एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाल लीजिए गाइस। ये बहुत ही ज्यादा प्योर रोज का एक्सट्रैक्ट है जिसे हम बनाएंगे हमारा लिप बाम। इस वीडियो में मैं आपके साथ में 2 रोज के लिप बाम शेयर कर रही हूं। पहला है बीजवैक्स के साथ में, दूसरा है बीजवैक्स के बिना। मुझे कई ज्यादा कमेंट आते हैं कि मेरे पास बीजवैक्स नहीं है तो मैं क्या यूज करूं, इसलिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी दे रही हूं। तो पहला मैं बीजवैक्स के साथ में बना रही हूं। एक बोल में पहले आप लेंगे थोड़ा सा बीजवैक्स गाइस, ये सिर्फ आपके लिप बाम को कंसिस्टेंसी नहीं देता,
आपके लिप्स के लिए हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन के लिए भी अमेजिंग है। एक टेबलस्पून में यहाँ पे बीज वैक्स ले रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून कैस्टर ऑयल की। आप चाहो तो इसमें कैस्टर ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो और दोनों भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून कोकोनट ऑयल, दो विटामिन ई की कैप्सूल्स। गाइस ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके लिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शिया बटर। शिया बटर अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे हम डालेंगे वैसलीन। अब इसके बाद जो हमारा नेचुरल रोज का एक्सट्रैक्ट है वो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब इसको हम डबल बॉयलर पे रख के अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही सारी चीजें इसमें मेल्ट हो जाएगी आप इसमें चम्मच घुमाने लगे इस तरह से अच्छी तरीके से इसको बीट करें, घुमाते रहे। जब इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिकन होने लगेगी तब आपका जो कंटेनर होगा लिप बाम का उसको तैयार रखें और इसको तुरंत लेकर आप अपने लिप बाम वाले कंटेनर में इसको डाल देंगे, ठीक है। और फिर इसको आप बंद करके रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। बस आपको लेना है ये टिंट को और ये लिप बाम को, टिंटेड लिप बाम है, इसको लेके आपको आपके लिप्स पे अच्छी तरीके से बस स्प्रेड करना है। ये इसमें प्रेजेंट कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके लिप्स को सिर्फ नरिश ही नहीं करते हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो 1 से 2 दिन में आपके लिप्स की ड्राइनेस तो कम्प्लीटली चली जाएगी। आपके डेड सेल्स, जो ड्राइनेस, जो फ्लेकीनेस है वो आपके लिप्स में, वो कम्प्लीटली चली जाएगी। आपके लिप्स नेचुरली मॉइस्चराइज लगेगी, आपकी लिप्स सॉफ्ट हो जाएगी, इससे सपल हो जाएगी दिखने क्या लगेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको लगाने के बाद जो टिंट आता है, लिप बाम है ये मॉइस्चराइजेशन का तो काम करेगा ही, ड्राइनेस तो आपकी दूर करेगा ही, लेकिन जो टिंट आ रहा है इससे आप नेचुरल देख रहे हो, इससे आपको कोई लिपस्टिक वगैरह की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल टिंट इतना ज्यादा, ये फ्लश है कलर का, ये इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है आपके लिप्स पे, बहुत अच्छा लगता है रोज का लिप बाम। प्लीज इसको जरूर ट्राई करना, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड चीज है इस पूरे सर्दियों की सीजन के लिए, ठीक है। और एक बार ध्यान में रखिए, जो रोज एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया है सिर्फ आपके लिप्स को कलर देने के लिए नहीं है, आपके लिप्स को ये नरिश करेगा, आपके लिप्स के पिगमेंटेशन को दूर करेगा, डार्क लिप्स अगर आपके, वो नेचुरली उसको सॉफ्ट और पिंक बनाने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है रोज। इसलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन को हमने यूज करके हमारा होममेड लिप बाम तैयार किया है, जो आपको डेफिनेटली यूज करना है, राइट। तो इसको बना के आप जरूर यूज करेंगे, प्रॉमिस मी। वैसे तो गाइस लिप बाम आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री में बनेगा, लेकिन फिर भी अगर आप तामझाम लेना नहीं चाहते, तकलीफ उठाना नहीं चाहते डीआईवाई की, तो आप मेरी तरफ से अगर कोई सजेशन चाहते हो तो मामा अर्थ का लिप बाम ट्राई करना, स्पेशली ये चेरी टिंटेड लिप बाम। इसमें सेम एग्जैक्टली वही इंग्रेडिएंट है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और विटामिन ई, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। आप चाहो तो रोज टिंटेड वाला लिप बाम है वो भी ट्राई कर लेना। ये आपके घर के लिप बाम की तरह 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया जाने वाला लिप बाम है। अगर आपको रेडीमेड ट्राई करना है तो यही ट्राई करना, मेरी तरफ से यही सजेस्टेड होगा, लेकिन अगर आप होम में ट्राई करना चाहते हो तो ये वाला करना। अगर आपके पास बीज वैक्स नहीं तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ, आप बना सकते हो हमारा हनी और रोज का लिप बाम, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए हनी। आप लेंगे तकरीबन 2 टीस्पून हनी, इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून वैसलीन, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल और 1 विटामिन ई की कैप्सूल। आई होप ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास रेडीली अवेलेबल होंगे आपके किचन में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा नेचुरल रोज एक्सट्रैक्ट तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून, और ये सारी चीजों को डालकर अगेन आप डबल बॉयलर पे रख के इसको मेल्ट कर लेंगे। एक बार ये मेल्ट हो जाए ना अच्छी तरीके से, तब इसमें आप फिर से अच्छे से चम्मच घुमाते रहेंगे, जब तक इसके सारे इंग्रीडियंट्स आपस में अच्छी तरीके से मिल नहीं जाते और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिकन होने नहीं लगती। एक बार ये हल्का सा थिक होने लगेगा, इंग्रीडियंट सारे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तब इसको आप लेकर आपके लिप बाम वाला जो कंटेनर है उसमें डाल देंगे और उसको अगेन सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये है आपका फाइनल बिना बीज वैक्स वाला नेचुरल होममेड टिंटेड रोज लिप बाम। वाओ, दिस इज एक्सट्रीमली अमेजिंग गाइस, सुपर डुपर चीज है इस पूरे सर्दियों की सीजन के लिए। एनी टाइम इसको यूज कर सकते हो, सिर्फ विंटर्स के लिए नहीं, एनी टाइम। ये आपके लिप्स में वो फ्लश ऑफ कलर देता है, वो टिंट दे देता है और साथ ही आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, हील करता है, डैमेज को रिपेयर करता है, आपके वो जो डेड सेल्स है उसको रिमूव कर देता है, आपके लिप्स को नेचुरली पिंक बनाता है, आपके लिप्स को लाइटन करता है, पिगमेंटेशन है अगर, आपके लिप्स को सॉफ्ट बनाता है, सपल बनाना है और एट द सेम टाइम मॉइस्चराइज और उसको हाइड्रेट भी करना है। इसको लेके आप अपने लिप्स पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। इसे अगेन
टिंटेड भी है। दोनों लिप बाम में मॉइस्चराइजेशन में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, क्योंकि उसमें हमने वैक्स डाला, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अलग होगी, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा क्रीमी टाइप में होगी। बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों लिप बाम इक्वली इफेक्टिव है आपके लिप्स को स्मूथ, सॉफ्ट, सपल बनाने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, पिंकिश नेचुरल वो टिंट देने के लिए, और आपके लिप्स को इस पूरे सर्दियों के सीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए, लिप्स को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए। इतने सारे अमेजिंग इसके फायदे हैं गाइस, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस लिप बाम को जरूर बनाओगे, और मुझे यकीन है कि आपने इस वीडियो को अब तक लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर टिक करना। मैं आपको मिलूंगी मेरा अगले वीडियो में बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेंट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।